नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज आप जे कर्णनी बात करी हती, मैं तमने आना पहेलाना विडियो द्वारा समझायुं हतुं कर्ण का जीवन दर्शन। तो तमे एना कवि परिचय एवी विडियो द्वारा तमे काव्य समझी लीधुं हशे। हवे आजे तमने हूँ एना प्रश्नना जवाब माटे थईने थोड़ू मार्गदर्शन आपीश। आज प्रश्न जवाब जे छे ए तमारे तमारी स्वाध्याय जे हूँ आपूँ छूँ तमारा सी डबल्यू में एटले कि जे नोटबुकनो चोपड़ो बनाव्यो छे प्रश्न जवाब माटेनो एमां तमे लखी लेजो। हवे पहेलो जे प्रश्न छे स्वाध्यायनो, ऊंचे स्वर में पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आमां तमारे खाली वाँचवानुं छे, बराबर, ए कंई लखवानुं नथी। बीजो प्रश्न छे संक्षेप में उत्तर लिखिए। तो आ जे संक्षेप में उत्तर लिखिए ए तमारे लखवानुं छे, एना प्रश्नना जवाब जे छे ए तमारे लखवाना थाय छे। तो एमां पहेलो प्रश्न छे विभव से क्या प्राप्त होता है। विभव एटले वैभव, बराबर, वैभव से क्या प्राप्त होता है। तो वैभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उसे चमक दमक दिखाने का अवसर और क्षणिक भोग विलास प्राप्त होता है। त्यार पछीनो बीजो क्वेश्चन छे धन संपत्ति किस लिए है। धन संपत्ति किस लिए है। तो तमे एमां लखी शको के धन संपत्ति परोपकार के लिए है। धन संपत्ति परोपकार के लिए है। त्यार पछीनो त्रीजो क्वेश्चन छे समृद्धि सुख के आधीन मानव क्या होता है। तो सुख समृद्धि के आधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता है और उसकी दुर्दशा होती है। त्यार पछीनो चौथो प्रश्न छे फणी बंद कौन छुड़ाते हैं। तो फणी बंद से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। आवी रीते तमे पहेलो प्रश्न तमारे स्किप करवानो छे, बीजो प्रश्न लखवानो छे। त्यार पछी त्रीजो प्रश्न छे निम्नलिखित पंक्तिओ का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। बराबर, निम्नलिखित काव्य पंक्तिओ का आशय स्पष्ट कीजिए, भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो तमारे एमा पहली पंक्ति छे वैभव विलास की चाह नहीं अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। आ पंक्तिओनो भावार्थ हूँ तमने स्पष्ट करूँ छू। कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि के केशव आप मुझे राज्य देने का प्रलोभन दे रहे हैं, परंतु मैं वैभव विलास का जीवन पसंद नहीं करता, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मुझे दान देने में ही रुचि है, इसलिए मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं गरीबों को हमेशा दान देता रहूँ और उनके दुख दूर करता रहूँ। त्यार पछीनो बीजी जे काव्य पंक्ति छे मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर सकता न किसी विध उसे छोड़, रणखित पाटना है मुझको आही पाश काटना है मुझको। आ जे काव्य पंक्ति छे एना भावार्थ स्पष्ट करता आपणे एना उत्तरमां जोईए तो कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि इस समय मेरी स्थिति गरुड़ पक्षी के समान है, मुझे राज मुकुट नहीं पहनना, लेकिन इस समय दुर्योधन भारी संकट में है, युद्ध रूपी नागपाश ने उसे जकड़ रखा है, मुझे दुर्योधन के इस नागपाश को काटना है, दुर्योधन को युद्ध में विजय दिलाना है, मुझे गरुड़ की तरह अपना दायित्व निभाना है। इस तरह यह दोनों पंक्तियों को यहाँ पर
श्री कृष्ण के पास कर्ण ने अपनी विपद घोर जो समस्या है वो स्पष्ट किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने अहीं आगळ ए वस्तु समझाई छे। त्यार पछीनी जे सेकेंड क्वेश्चन छे एना पछीनो ज्यारे टिप्पणी लिखीए तो टिप्पणी लिखीए मां पहेलुं छे कर्ण की अभिलाषा। कर्ण दानी पुरुष है, वह प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को दान देता है, उसे राज्य पाने की इच्छा नहीं है, वैभव पाकर भोग विलास में जीना उसको स्वभाव के विरुद्ध है, वह दयालु और उदार वृत्ति का है, गरीबों के प्रति उसके मन में करुणा है, उसकी यही अभिलाषा है कि वह अपनी दान वृत्ति से निर्धनों का दुख दूर करता है। बराबर। हवे बीजू छे कर्ण का मित्र धर्म। बराबर। बीजू जे छे टिप्पणी लिखे एमां आपणे एनो एक भावार्थ स्पष्ट करवानो छे। कर्ण का मित्र धर्म, तो कर्ण का जीवन अन्याय और अपमान से भरा हुआ था। एक दुर्योधन ने ही उसे सम्मान दिया और उसे अपना मित्र बनाया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल पाया। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण उसे पांडव पक्ष में लेने गए। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन भी दिया, परंतु कर्ण ने उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसने दुर्योधन का साथ छोड़ने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस प्रकार कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपने मित्र धर्म का पालन किया। विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। विलोम शब्द अथवा विरोधार्थी शब्द। तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 6 में विरोधार्थी शब्द लखवाना छे, जेमां पहेलू छे निर्मल तो मलिन, निर्धन धनवान, प्रभुत कम, त्यार पछी कोमल कठोर, अमृत विष। बराबर। हवे प्रश्न नंबर 6 छे, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढ कर उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आज एक कोष्टक आपणने आपवामां आव्यो छे, एमांथी आपणे पहेला तो समानार्थी शब्द अने एनो अर्थ आपीशुं, पछी एनो आपणे वाक्यमां प्रयोग करीशुं। तो पहेलुं छे सुखोपभोग विलास, हथेली करतल, प्रचुर प्रभुत, दरज दरार, आंधी अंधड, पानी वारी, गरल विष, चट्टान शैल। हवे वाक्य में प्रयोग लखो। राजा सदा विलास में डूबा रहता था। सुख पोभग, तो आपणे एनो अर्थ विलास लेखो। बराबर। तो एनो आपणे वाक्य प्रयोग करिए तो राजा सदा विलास में डूबा रहता था, आवुं आपणे एक वाक्य बनावी शकीए। त्यार पछी हथेली तो करतल, बच्चे का करतल देखकर ज्योतिषी ने उसका भविष्य बता दिया, आवुं आपणे लखी शकीए। त्यार पछी त्रीजुं छे प्रचुर तो प्रभुत, वह गांव में रहता था पर उसके पास प्रभुत संपत्ति थी। त्यार पछी छे दरज तो दरार, दरज दरार एटले दीवाल, तो गरुड़ पहाड़ों की दरार में निवास करता है। त्यार पछी आंधी तो अंधड़, तो सारी रात अंधड़ ने कहर मचा दिया। त्यार पछी पानी वारी जल, तो नो वाक्य थाई शके के सदा स्वच्छ वारी पीना चाहिए। त्यार पछी छे गरल तो विष, देखते ही देखते सांप का विष बच्चे के शरीर में फैल गया। त्यार पछी चट्टान तो शैल,
शैल से उस पार झरना था। આવી રીતે આપણે આ જે સ્વાધ્યાય છે એના પ્રશ્નના જવાબ કરી શકીએ લખી શકીએ।